चलिए अब शुरू करते हैं 11वां अध्याय, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। जैसे ये एक चित्र देखिए आप, ये किसका है? सूरज। इसको हम और क्या कह सकते हैं? सूर्य, दिवाकर, दिनकर। ये क्या है? आंख। इसको हम क्या और कह सकते हैं? नेत्र, चक्षु, नैन। ये क्या है? कमल। इसको हम और क्या कह सकते हैं? जलज, पंकज, नीरज। ये क्या है? शेर। इसको और आप क्या कह सकते हैं? सिंह, मृगराज, वनराज। जैसे कि हमने देखा, हर एक चित्र के चार नाम हैं। ये चारों ही हमारे समान अर्थ के हैं, इन सब का एक ही अर्थ है, तो ये सब हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। सूरज, सूर्य, दिवाकर, दिनकर, ये सब हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चलिए अब कुछ और पर्यायवाची शब्द देखते हैं, आपको इन्हें याद रखना है। गंगा को क्या और कह सकते हैं? भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, जानवी। अग्नि को पावक, आग, अनल, ज्वाला। आकाश को नभ, आसमान, गगन, व्योम। माता को अम्बा, जननी, माँ, अंबिका। राजा को नृप, नृपति, भूपति, नरेश। मित्र को दोस्त, साथी, संगी, सखा। नदी को सरिता, तटनी, तरंगिणी। पृथ्वी को भूमि, धरती, जमीन। ईश्वर को प्रभु, परमात्मा, भगवान, ईश। पवन को अनिल, वायु, हवा, समीर। पुष्प को कुसुम, सुमन, प्रसुन, फूल। रात्रि को रजनी, रैन, रात। समुद्र को सागर, जल्दी, सिंधु, रत्नाकर। गुरु को शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उस्ताद। घर को सदन, आवास, आलय, भवन। वृक्ष को पेड़, विटप, तरु, पादप। बादल को जलद, वारिद, नीरद, पियोद, मेघ। ये सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने हैं। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। नीचे हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसका क्या होगा? भवन, आवास। इसका क्या होगा? वृक्ष, पादप। ये क्या है? सिंह, वनराज। ये क्या है? सूरज, तिनकर। इस तरीके से आप
कोई भी दो पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। अब दूसरे पर आते हैं, इसमें आपको पर्यायवाची शब्दों का उचित मिलान करना है। धरती का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी। कमल का जलज। हवा का वायु। ईश्वर का ईश। माता का जननी। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमारे उचित पर्यायवाची शब्द पर हमें कोला लगाना है। अग्नि का क्या होगा पर्यायवाची? अनल। गंगा का क्या होगा? भागीरथी। मित्र का सखा। पुष्प का प्रसून। वृक्ष का पेड़। गुरु का आचार्य। इस तरीके से आपको उचित पर्यायवाची शब्द पर कोला लगाना है।